जहाँ पर टिपिकल हीरो की तरह नहीं बल्कि कुछ इंडियन एक्टर ने अपने अपकमिंग फिल्मों पर लॉन्च करने वाले हैं अपनी डार्क रॉ इंटेंस एफ्टर। दोस्तों वो सारे डार्क हीरो के बारे में जानने के लिए शुरू तक के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और एनटीआर का अपकमिंग फिल्म एनटीआर 30 पे उनको एक डी कम रॉ एफ्टर में नजर आएंगे। और जब ऑलरेडी हम उनका नेगेटिव रोल वाला फिल्म में देखे हैं, पर ये होगा कुछ डिफरेंट क्योंकि इसमें जूनियर एनटीआर ने काफी इंटेंस रास्टिक एफ्टर प्ले कर रही है। और बता दोस्तों इसमें जूनियर एनटीआर का होगा डबल रोल और ये पैन इंडियन प्रोजेक्ट अप्रैल 2024 में रिलीज होगा। नंबर टू, चिया विक्रम। और फिल्म को लेकर एक्सपेरिमेंट करना विक्रम का शौक है और अपकमिंग फिल्म थंगलन पे विक्रम का होगा स्टाइलिश रॉ एक्टर। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विक्रम ने एक फुल फ्लेस्ड एक्शन फिल्मों पे आ रही है। दोस्तों विक्रम का इंटेंसिटी देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? नंबर थ्री, स्टार अल्लू अर्जुन इन पुष्पा टू। जहाँ पर ऑलरेडी पार्ट वन पे हम अल्लू का डार्क डी ग्लम वाला एक्टर देखा है और जो बॉक्स ऑफिस पर फायर लगा दिया था। और पार्ट टू यानी कि पुष्पा द रूल पे भी अल्लू अर्जुन ने स्मगलिंग की दुनिया पे करने वाले हैं राज। और इसमें अल्लू का होगा टेरिफिक डायलॉग, एक्शन, नेगेटिव स्वाग और इंटेलिजेंट वाला ब्रेन। नंबर फोर, थलपति विजय इन लियो। जहाँ पर विजय कैरियर में नेगेटिव शेड वाला फिल्में उतना ज्यादा नहीं करते हैं, पर इस बार उन्होंने लियो को लेकर आ रही है जिसका टैगलाइन रखा गई है ब्लडी स्वीट। यान की इसमें इंटेंस लुक होगा विजय का, जहाँ पर एक तरफ उनका एक चॉकलेट एफ्टर, दूसरी तरफ होगा एक रॉ रास्टिक एफ्टर। और दोस्तों जहाँ पर लियो फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे 19 अक्टूबर इसी साल रिलीज की जाएगा। नंबर फाइव, बादशाह शाहरुख खान इन जवान। जहाँ पर इस लड़के ने कैरियर में कई नेगेटिव रोल निभाई है और उनका नेगेटिव एफ्टर फैंस को शॉक्ड भी किया है हर एक टाइम पे। और एक बार इस लड़के ने अपने अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर आ रही है जहाँ पर होगा उनका ग्रे वाइव और एजेंट वाला रोल। और इस अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पे इस लड़के ने डबल रोल प्ले करी है, एक तरफ स्पाई एजेंट दूसरी तरफ एक क्रिमिनल का रोल। नंबर सिक्स, रेबल स्टार प्रभास इन सालार। प्रभास का भी कैरियर में फर्स्ट टाइम डार्क रॉ वाला एफ्टर आ रही है सालार फिल्म पे। और जहाँ पर मेकर्स का कहने के मुताबिक सालार होगा केजीएफ से कई गुना ज्यादा पावरफुल। और इसी फिल्म पे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लुक में देखने को मिलेगा प्रभास को। और जो फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 28 सितंबर होगा रिलीज। नंबर सेवन, मारा सूर्या इन कायथी टू। जहाँ पर लोकेश का यूनिवर्स का थर्ड पार्ट होगा कायथी टू। इस पे मारा सूर्या को फुल रोल एक सार्की एफ्टर में नजर आएंगे और इस टाउन का मोस्ट डेंजरस मैन है रोलेक्स सर। यानि कि कायथी टू पर एक तरफ होगा दिल्ली वर्सेस दूसरी तरफ होगा रोलेक्स और दोनों का ये फेस ऑफ सीन होने वाले हैं, पूरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट गूज़बम्प्स वाला सीन। नंबर एट, ध्रुवा सर्जा इन मार्टिन। जहाँ पर कन्नड़ का एक्शन प्रिंस ध्रुवा पहली बार के लिए अपने कैरियर में पैन इंडियन फिल्म और एक डार्क रॉ फिल्म में लॉन्च करी है मार्टिन, जो एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा। और इसमें ध्रुवा का होगा रॉ रैम्बो वाला एफ्टर। और ऑलरेडी टीजर सबको किया हैरान। नंबर नाइन, नेचुरलिस्टा नानी इन द सारा। हाँ दोस्तों, नानी ने पहली बार के लिए इस तरह का डार्क एफ्टर पे आ रही है, जो एक अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होगा। और इसमें नानी का होगा एक इंटेंस एफ्टर और इसका स्टोरी एक कोल माइन पर बेस्ड होगा। और पहली बार के लिए नानी को इस तरह का डिगम मेकअप पे देखना वाकई ही दिलचस्प होगा। और ये फिल्म रिलीज होगा 30 मार्च। नंबर टेन, रियल स्टूपेंडा इन कब्जा। और ये अपकमिंग एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जहाँ उपेंद्र का होगा स्वाग फुल डार्क एफ्टर और उनका डायलॉग और एक्शन स्टाइल इस फिल्म को अलग लेवल पे ले जाएगा। और ये फिल्म टोटल 7 लैंग्वेज में रिलीज होगा 17 मार्च। नंबर 11, दुलकर सलमान इन किंग ऑफ कोथा। और ये अपकमिंग एक्शन फिल्म है जहाँ पर दुलकर को पहली बार के लिए एक राफ्ट और इंटेंस एफ्टर में नजर आएंगे और इसमें होगा एक्सट्रीम एक्शन सीन। और जहाँ पर दिलकुर ने रेफर किया है कि किंग ऑफ कोथा फिल्म उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। नंबर 12, सिलम्बरसन इन पाथुथला।
ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है और जहाँ पर सिम्बू ने एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रही है। और दोस्तों ये फिल्म है 2007 का कनाडा ब्लॉकबस्टर फिल्म मुफ्ती का ऑफिशियल तमिल रिमेक और जो रिलीज होगा 30 मार्च। नंबर 13 गोल्डन स्टार गणेश इन द स्टोरी ऑफ रायगदा। ये अपकमिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पर पहली बार के लिए ये होगा गणेश का फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म। दूसरी तरफ ये गणेश का फर्स्ट रॉ इंडियस एफ्टर वाला फिल्म भी होगा, यानी कि गोल्डन स्टार का फैंस के लिए द स्टोरी ऑफ रायगदा होगा एक बिगेस्ट ट्रीट और जो पैन इंडिया लेवल पे की जाएगा रिलीज। नंबर 14 आखिर अकेडिनी इन एजेंट। हाँ दोस्तों, जहाँ पर आखिर को इसमें डार्क या डीगम एफ्टर में नजर नहीं आएंगे, पर ये फिल्म होने वाले है उनका कैरियर में एक नेगेटिव शेड वाला रोल और पहली बार के लिए इस माखिल को एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक इंटेंस एक्टर में नजर आएंगे। और बता दोस्तों ये होगा एक अपकमिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जो फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 28 अप्रैल होगा रिलीज। दोस्तों ये रहा कुछ ऐसे अपकमिंग फिल्मों के बारे में जहाँ पर एक्टर ने प्ले करी है डार्क रॉ इंटेंस एक्टर। तो इस लिस्ट पे कौन से अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है इस लिस्ट पे कौन से एक्टर इस तरह का डार्क रोल के लिए सबसे पावरफुल है वो भी कमेंट पे बताइए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मनीष चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।